मीनिंग के तीन चार क्लास करते हुए मैनेज कर लेंगे वो सारी चीज। ठीक है, चीजों को सिर्फ वेरीफाई करना, यहाँ पर अभी होता क्या है नहीं होता ये नहीं, क्लियर है। अभी हम लोग को सिर्फ ये बात सीखनी है कि हम लोग को सॉल्व करने आ जाना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखें, क्लियर है ना। क्लियर है, क्या बोले समझ मारा। ठीक, होता क्या नहीं होता वो काम आप मैथ्स में सीखो, या फिर जब फिजिक्स में मैं ऑफिशियली फिजिक्स शुरू कर दूंगा तब, बेसिक मैथमेटिक्स के टाइम पर नहीं, क्लियर है। ठीक, सिर्फ सॉल्व कैसे करना है वो सीख, ठीक है। अब सोचो, मैंने ये बोला जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मैथ वाला सीन था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर लिया हम लोगों। ठीक, अब सोचो y के जगह b होता, m के जगह a होता, x के जगह t होता और c के जगह u होता, तो क्या तुमको देख के फील होता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए? हाँ ना आरटी? यस सर, यस सर। मैंने जो बात ट्रांसपॉन्ड कराया, ठीक, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, चलो नामे न है, अरे नामे न है, ठीक। जैसे मान लो, बुरा मत मानना, मैं दो स्टूडेंट का नाम बोल रहा, मान लो हर्ष रंजन, ठीक, का नाम सुजीत होता, ठीक, या सुजीत का नाम हर्ष रंजन, तो क्या हर्ष रंजन या सुजीत का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बदल जाता क्या? बोलो। नो सर, जो उनकी प्रॉपर्टी है वो तो वही रहेगी ना, हाँ या ना? यस सर। सभी लोगों को क्लियर है ये बात? ठीक, तो एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, एकदम बिल्कुल नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, ठीक, क्या था कि अगर जो मैं बोलूं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस, तो y के जगह v, m के जगह a, x के जगह t और c के जगह u, ठीक। अब सोचो अगर जो मैं इसका ग्राफ बनाता, इसका यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी का, क्या बनाता इधर याद कर दो, ये वाला पोर्शन वेलोसिटी बनाता और ये वाला पोर्शन टाइम बनाता, मान लो, ठीक, ये वाला पार्ट वेलोसिटी बनाते और ये वाला पार्ट टाइम, ठीक। चलिए अब देखते हैं कैसे सिखाए थे, पहले x की वैल्यू को जीरो करो तो y की वैल्यू निकालते थे, तो वैसे ही t की वैल्यू को जीरो करो, t की वैल्यू को जीरो करो, तो t की वैल्यू को जीरो करोगे, क्लियर, तो बता v की वैल्यू कितना होगा, t की वैल्यू को जीरो करोगे तो v की वैल्यू कितना होगा, बोलो। प्लस यू सर। प्लस यू, और प्लस यू कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक। v की वैल्यू को जीरो करो तो t की वैल्यू क्या होगा, v की वैल्यू को जीरो करो तो t की वैल्यू, बोलो, माइनस यू बाई, t की वैल्यू को जीरो करो तो u इधर आएगा तो माइनस यू, और डिवाइड बाई ए तो t की वैल्यू क्या, माइनस यू बाई ए, जो नेगेटिव टर्म, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा बताओ। यस सर। सबका, अब सोचो दो पॉइंट जैसे ये मिला वैसे ये, ठीक, लेकिन फिजिक्स में कुछ चेंजेस है, मैथ के हिसाब से ये ठीक, क्लियर है। फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स ये कहता टाइम नेगेटिव नहीं होता, क्या जो बोले क्लियर है, फिजिक्स अगर ये बात सिखाता कि टाइम नेगेटिव नहीं होगा किसी भी हालत में, टाइम नेगेटिव नहीं, क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। तो ये बात दिमाग में फिट कर लो, फिजिक्स ये सिखाता है हम या तो प्रेजेंट टाइम में काम करें, प्रेजेंट टाइम, या फिर फ्यूचर टाइम सोच सकते हैं, फिजिक्स में पास्ट टेंस नाम की कोई चीज नहीं, प्रेजेंट टेंस हो सकता है, मतलब इंग्लिश के तौर पे कह रहा हूं, प्रेजेंट टेंस हो सकता है, फ्यूचर टेंस हो सकता है, पास्ट टेंस नाम का चीज फिजिक्स में नहीं होता, क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ ना बोलो भाई। yes. बोलो क्लियर yes. है। तो सोचो क्या इसके इधर, इसके इस तरफ क्या टाइम नेगेटिव है, आया ना, इसके लेफ्ट क्या टाइम नेगेटिव है, सोच के देखो, अरे हाँ ना बोल भाई, टाइम नेगेटिव में होता है सर, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता सर, हाँ तो वही तो बोल रहा, टाइम नेगेटिव नहीं होता,
मैंने जो ग्राफ बनाया, मैंने जो ग्राफ, क्या इसके इधर टाइम नेगेटिव है या नहीं, ये पूछता है सर। है ठीक। और फिजिक्स कहता है कि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, यानी नियमतः फिजिक्स के तौर पे यहां से यहां तक का ग्राफ नहीं होना चाहिए। और याद करो तुमने क्या v इक्वल टू यू प्लस at का ग्राफ क्लास नाइन्थ में ऐसा ही बनाया था क्या? बोले yes, sir. Yes, sir. उतना काम झाम के पीछे नहीं जाएंगे, वो किताबी लैंग्वेज के वैल्यू कॉन्सेप्चुअली जो बात सोचनी है वो बात पर। ठीक, मैंने ये कहा सबसे पहले y इक्वल टू स्ट्रेट, y इक्वल टू mx प्लस c सिखाया, स्ट्रेट लाइन सिखाया। ठीक, फिजिक्स में हमको मिलेगा यही, फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा हम लोग को आगे यही। ठीक, लेकिन अभी से सीखते जाए तो चीजें धीरे धीरे करके आसान होती जाएंगी। सही बोल रहे हैं ना, अभी से सीखते जाएंगे तो धीरे धीरे जो टफर सेक्शन आने वाले बार बार एक चीज देखते रहे, बार बार एक चीज दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसी ही होता है। सही है ना, और दिमाग में बैठ गया, फिक्स हो गया, तो हमको फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन आदत डालो, मैथ के हिसाब से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कौन सा होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत है हर्ष रंजन? कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर, मैथ के हिसाब से ये ग्राफ होना चाहिए, फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए सोच के देखो। फिजिक्स के हिसाब से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? स्ट्रेट से। ठीक, फिर बोल रहा हूँ t की वैल्यू को जीरो करो तो v की वैल्यू क्या होगा? u, u कहाँ लिखा मैंने? पॉजिटिव u ऊपर लिख दिया, जिस तरह y एक्सिस था। अब v की वैल्यू को जीरो, तो v की वैल्यू को जीरो करोगे, हो सकता है कोई कोई रोम पगला रहा हो, मैंने बोला v इक्वल टू ए टी प्लस यू। ठीक, मैंने बोला t की वैल्यू को जीरो करो, तो यहाँ पे v t की वैल्यू जीरो करेगा तो a इंटू जीरो, एकदम बच्चा वाला चीज बोल रहा हूँ, आप इससे नीचे नहीं आ सकता। तो v की वैल्यू क्या होता? u के बराबर, v की वैल्यू u के बराबर। वैसे ही मैंने बोला एक बार v की वैल्यू को जीरो करो, तो v की वैल्यू जीरो करो, यहाँ क्या रहा? ए टी ठेक और प्लस u, चेक करो ये इधर आएगा तो क्या लिखता? माइनस u डिवाइडेड बाई ए, क्या t नहीं होता? अरे हाँ ना, बोलो। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब इस वाले पोर्शन में तो सीधे मैं इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे करो। तो मैंने ये कहा कि इसको हटा के कोई आवश्यकता नहीं, तो ग्राफ कैसा होता? जैसे ये वाला y इक्वल टू mx + c का बना रहे थे, इसको भी आप यहाँ तक खींच देते सीधे, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिजिक्स हमको ये कहता है कि टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता तो ये ग्राफ भी नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है? ठीक, और नाइन्थ में क्या आपने v इक्वल टू यू प्लस एटी का ग्राफ ऐसा ही बनाया था? क्लियर? हाँ ना, बोलो भाई। yes, बोल। yes, sir. सुमेधा, क्या क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है, अब एक नॉर्मल सी बात, अब थोड़ा और एडवांस करते और चीजों को थोड़ा लॉजिकल बनते। ठीक, मान लो ये वाला एंगल थीटा था, तो ये एंगल थीटा होगा या नहीं सोच के देखो। हाँ यस सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थीटा तो ये थीटा, तो वैसे ही क्या यहाँ पर थीटा ये वाला बनना चाहिए सोच के देखो। अरे हाँ ना, देखो जैसे मैं जानबूझ के बना ये बना है, ऐसा है थीटा तो ऐसा बना। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत है? बोलो भाई, कॉम्प्लिकेट करो, चीजें टफर है थोड़ी। हे, लेकिन अगर जो वो के कम्युनिकेट नहीं करोगे तो सामने वाला आपकी कॉपी और आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख रहा। अभी कम्युनिकेट कीजिए, तभी मैं आपके बारे में अच्छे से बता पाऊंगा कि हाँ भाई आप चीजों को पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए। क्वेश्चन तो जब कराना है मैं करा ही लूंगा, ठीक है?
बताइए क्या ये वाला पोर्शन थीटा होगा या नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत है? बस ये फिगर देखो और ये फिगर देखो, क्लियर? अब फील करो और एक बात सिखाए थे, थीटा अगर जो लेस देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होता? पॉजिटिव। सिखाए थे टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होता। अच्छा, और टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर था? एम के बराबर, यानी एम के बराबर था। अब यहां देखो तो इस जगह, क्या इस जगह भी थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री दिख रहा फिगर से? क्या टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा? ठीक, अब सोचो यहां पर टेन थीटा की वैल्यू एम के बराबर, तो वी इक्वल टू यू प्लस एटी में टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगा? बोलो सर, ए के बराबर। हाँ बिल्कुल, क्या क्लियर है ये बात? सोच के देखो सुजीत, क्या टेन थीटा की वैल्यू ए के बराबर होगा, ये क्लियर है या नहीं है इस फिगर से? रोहित नहीं क्लियर है, बार बार बोल रहे, पूछते हैं तो क्यों नहीं बोलते? मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक, मैं आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख रहा, क्लियर, कि मैं आपको डायरेक्टली बता पाऊंगा कि हाँ देख यहाँ गड़बड़ हुआ। ऑनलाइन में आपका कम्युनिकेशन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? अच्छा एक मिनट, रोहित आपको रिपीट कर दीजिए सर, वो तो करूंगा ही। रोहित आपको, अर्जुन नो सर, क्लियर है? नहीं सर, नहीं समझ। आरती आपको? यस सर, क्लियर है। आशीष यस सर, क्लियर है? यस सर। हर्ष राज हर्ष रंजन यस सर, क्लियर है? हर्ष रंजन क्लियर है? यस सर। कोमल यस सर। सुमेधा सुमेधा क्लियर है? यस सर। गुड। ओमजीत ओमजीत, चलिए यस सर क्लियर है। यस सर, देखो फिर बोल रहे हैं शांति से सुनो, ठीक, ऑनलाइन में थोड़ा सा भी दिमाग भटकेगा थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान दिए, ठीक, अगर जो चीजें कॉन्सेप्चुअल चलनी शुरू हुई तो दिक्कत होगा, ठीक, फिर बिखरोगे। ऐसा नहीं कि मैं ये बाद में नहीं सिखाऊ, बाद में भी सिखाऊंगा, ठीक, कंफर्म सिखाऊंगा, लेकिन अगर जो टफर चीजें बार बार देखेंगे, क्लियर, मैं तो सीधा सिद्धांत ही, क्लियर, अगर जो थोड़ी मोड़ी जो तकलीफ देगी उसको बार बार देखते रहेंगे तो वो जल्दी याद, ठीक, और तकलीफ वाली चीजें छोड़ देंगे तो फिर नहीं होगा, वो फिर अपना हो ही नहीं, वो तो फिर छूटना ही है, वो तो छूटेगा ही छूटेगा, ये पक्का हो जाता है, ठीक। तो चेक करो जो बोल रहा, सबसे पहले स्ट्रेट, ठीक है, सुजीत क्या ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस
बोलो सुजीत, क्या ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्लियर है? हाँ ना, पहले ये बात बता। यस सर। पक्का ना? अच्छा, फिर शायद किसी का प्रॉब्लम था। अर्जुन, अर्जुन y इक्वल टू सी का ग्राफ क्लियर है? हाँ सर, थोड़ा मोड़ा क्लियर है। ना थोड़ा मोड़ा क्लियर है मतलब पिछले क्लास में नहीं था? पिछले क्लास में नहीं थे आप? बीच में चले गए सर, इंटरनेट खराब हो गया था। अच्छा रोहित, थोड़ा फिर से बोल रहा हूँ। ठीक, एक नॉर्मल सी बात, मैं एक नॉर्मल सी बात बोलता। ठीक है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और फिर जब वीडियो जाता है तो उसे देख के मिले थे, मान लीजिए इंटरनेट गड़बड़ हुआ है कुछ भी जाता है, जब वीडियो जाता है तो उसे चेक कर लो। क्लियर? इससे क्या होगा कि कुछ आगे की चीजें जब बताना शुरू करेंगे तो तुम कॉन्फिडेंस में रहोगे। मेरा कॉन्फिडेंस से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में आगे चल के आपको बैठना है। क्लियर? ठीक, इसलिए बोल रहा हूं ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि हाँ सर हमको आ गया, हमको आ गया, ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या फिर कह रहा हूं, आराम से सुन लो, इतना बात तो मैं लिख रहा हूं। ठीक, इसके बाद की थ्योरी फिर से बोलूंगा, फिर से समझा। ठीक है, क्लियर? इतना तो लिख ही चुके हो, एक सेकंड, काम की चीजें तो है ही। चलिए, इस वाले पोर्शन में मैं फिर बोल दे रहा क्या था कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा। यहां टेन थीटा की वैल्यू ए के बराबर, यू इनिशियल वेलोसिटी था, ए एक्सेलरेशन था। ठीक, ऐसा कुछ होता, वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। क्लियर? चलिए इसे लिखिए जल्दी, जल्दी लिखे, अब फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, इसे हो जाए तो बताएंगे। अब देखो, अब देखें, अगर जो मैं कर देता, याद करो बिल्कुल, अब फटाफट काम करना है। ठीक, अगर जो मैं दे देता ऐसा कुछ, बिल्कुल पिछले वाले क्लास के, मैं बोल देता y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ठीक, इसका ग्राफ क्या होता याद करो, तो ये वाला पोर्शन y एक्स और ये वाला पोर्शन एक्स एक्स। ठीक, एक्स की वैल्यू को जीरो करो, एक्स की वैल्यू को जीरो करो तो वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस सी के बराबर। ठीक, अब वाई की वैल्यू को जीरो करो तो वाई की वैल्यू जीरो करेगा तो ये सी इस तरफ आएगा और डिवाइड बाई एल, तो सी बाई एल पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? बोलो भाई, पॉजिटिव होगा। अरे हाँ यस सर। ठीक, अब इस दोनों को मिला दो। ठीक, इस दोनों को मिला दो तो मैथ के अनुसार से ये वाला ग्राफ, और टेन थीटा कौन सा होगा? टेन थीटा बताए थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी को थीटा लेना है। यहां पर यहां थीटा चेक करो, क्या यहां पर थीटा 90 डिग्री से छोटा है? यानी टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा और टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर? एम के बराबर। अभी इतना याद, वैसे ही सोचो अगर जो हम लोग बनाते वी इक्वल टू, अब मैं लिखता हूं ए टी माइनस यू, ए टी माइनस यू, तो सोचो क्या ये वाला पोर्शन वेलोसिटी और यहां टाइम टी होता। अब टी की वैल्यू को जीरो करो, टी की वैल्यू को जीरो करो तो वी की वैल्यू क्या होगा? माइनस यू। ठीक है, और एक बार वी की वैल्यू को जीरो करो, वी की वैल्यू को जीरो करेगा तो यू इस तरफ आएगा और यानी मुझे दिख रहा है U डिवाइडेड बाई A होगा। अरे हाँ ना, बोलो भाई, कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब सोचो इस दोनों को मिला दे। अब सोचो मैंने नीचे नहीं खींचा, क्यों नहीं खींचा? इधर इधर नीचे की तरफ नहीं लेके गया, जबकि इसमें लेके गया। इसमें क्यों लेके गया? नेगेटिव हो सकता है, इसके इधर जाएंगे तो टाइम नेगेटिव,
फिजिक्स कहता है टाइम नेगेटिव नहीं होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। क्लियर है सभी को? फिजिक्स कहता है टाइम नेगेटिव नहीं होगा, सीधा नहीं होगा। क्लियर? तो अब सोचो ये यू, यहां पे ये वाला पोर्शन थीटा। अब देख ठीक, क्या यहां पर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा की वैल्यू जो भी होता पॉजिटिव होता, और टेन थीटा रियलिटी में किसके बराबर? ए के बराबर। अब एक बात बता, इस वाले पोर्शन में यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है बताओ? यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है ना? यस सर। जीरो पुट करो तो यू की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इनिशियल वेलोसिटी लेफ्टवर्ड होगा या राइटवर्ड होगा बताओ? लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड होगा। ठीक, तो यू इस तरफ आया इसके। ठीक है, और ए चेक करो, ए एक्सेलरेशन यहां पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव है, राइटवर्ड होगा लेफ्टवर्ड होगा? कॉम्प्लिकेट कर जल्दी जल्दी, क्या राइटवर्ड होगा? अरे हाँ ना। अब एक बार बता, इसमें वेलोसिटी घटेगा टाइम के साथ या बढ़ेगा? वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा पक्का? पक्का। यस सर। अच्छा ओमजीत, घटेगा बढ़ेगा? सर घटेगा। घटेगा। सुमेधा? यस सर। घटेगा बढ़ेगा? सर डिक्रीज होगा। अच्छा डिक्रीज होगा, ठीक है। आरती, घटेगा बढ़ेगा? घटेगा सर। अच्छा हर सरकार, हर सरकार नहीं है। हर्ष रंजन, घटेगा बढ़ेगा? हर्ष रंजन घटेगा बढ़ेगा? हर्ष राज, घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। रोहित? घटेगा सर। अब लोग घटेगा कैसे हो सकते हैं? यानी तुम लोग को नाइन्थ में नहीं सिखाया लोग? देखो बता रहा, थोड़ा मिक्स तो कोई लोग ये बोलेंगे कि ये रिटार्डेड मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन। पहले ये बात बताइए, पहले 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 ये रिटार्डेड मोशन कहते हो या एक्सेलरेटेड बताओ? तो नाइन्थ पढ़ाओ, रिटार्डेड मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन बोलो? पर नहीं आता सिखाएंगे क्या? ठीक है रिटार्डेड। रिटार्डेड क्यों बोले? बेधड़क बोलो, बोले तेरा मास्टर बहुत बहुत ऊंचा लेवल का, हर छोटा छोटा बात पकड़ लेगा, तुम जो बोलेगा उससे बात पकड़ में आ जाए। ठीक, रिटार्डेड आपने क्यों बोला बोलो? टाइम के साथ कम हो रहा था वेलोसिटी। अच्छा कम हो रहा था, ठीक है। हमको एक बार बता, तुम्हारे बात से, तुम लोग के बात से कुछ फील आया मुझे। ठीक, माइनस चार बड़ा है या माइनस आठ? माइनस चार बड़ा। माइनस माइनस चार। माइनस फोर सर। माइनस फोर पक्का ना? यस सर। अच्छा फिजिक्स के अनुसार या मैथ के अनुसार? मैथ के अनुसार। मैथ फिजिक्स में
फिजिक्स में माइनस एट पढ़ा है। क्यों? मैग्नीट्यूड देखता है वो, उसमें डायरेक्शन सिंबल बताता है वो। डायरेक्शन सिंबल कौन बनाता है, बताता है? डायरेक्शन का सिंबल नेगेटिव साइन बताता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब बताओ ये अगर जो जिसने जिसने भी ये बात कहा और सबको अगर जो ये बात सुनाई दे रही, ठीक, कि सर माइनस चार बढ़ा है, मैं तेरे ही तरह जवाब निकलता हूं, बहुत बढ़िया। एक बोले, दो बोले, दस बोले, सब बोले। मैंने पूछा माइनस चार बढ़ा या माइनस एट, तो तुमने बोला माइनस चार बढ़ा, ठीक। लेकिन ये मैथ के अनुसार था या फिजिक्स के अनुसार? मैथ के अनुसार। हमको नंबर लाइन नहीं देखना है, फिजिक्स में माइनस क्या दिखाता है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। फिजिक्स में माइनस से क्या साइन क्या दिखाता है? मैंने क्या बोला, राइट वर्ड जाएगा पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड जाएगा नेगेटिव। अरे भाई ये राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन है ना? अरे हाँ ना, यस यस सर। अच्छा, तो कोई कार या तुम दौड़ रहे हो, मान लो माइनस चार मीटर पर सेकंड, माइनस चार मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या समझेंगे? तुम लेफ्ट की तरफ जा रहे हो चार मीटर पर सेकंड, अरे हाँ ना, यस सर। तुम लेफ्ट की तरफ जा रहे हो चार मीटर पर सेकंड से, अगर जो मैंने बोला माइनस एट मीटर पर सेकंड, माइनस एट मीटर पर सेकंड, तो मीनिंग क्या निकलेगा? तुम लेफ्ट की तरफ जा रहे हो एट मीटर पर सेकंड, ठीक। तो आप खुद सोचो, खुद सोचो, तेज कौन दौड़ रहा होगा, चार मीटर वाला पर सेकंड वाला या आठ मीटर पर सेकंड वाला? बोलो भाई, आठ मीटर पर सेकंड। कुछ आया या नहीं आया? यस सर, यस। क्लियर? अब सोच के बता, अब सोच के बता, वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा? सोच के बता, खुद सोचो, एनालाइज करो अपने आप को, आता है आपको? जब तुम माइनस फोर और माइनस एट में फिजिक्स का लैंग्वेज खुद से क्रिएट कर लिया कि फिजिक्स माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नीट्यूड के लिए कुछ और काम करना है, क्या जो बोले वो क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो, क्लियर? yes. तो अब खुद सोच के बता, ये वाला पोर्शन खुद निकाल अपने से, वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। ऑलवेज? यस सर। हाँ, ऑलवेज? यस सर। मैं लिख रहा हूं, अब तो शुरू हुआ है फिजिक्स, वेलोसिटी डिक्रीजेस, देन आफ्टर वेलोसिटी इंक्रीजेस, अरे हाँ ना बोलो, सोच लो। यस सर। मान लो पहले इनिशियल वेलोसिटी है, फील करो, फील करो, फील करो, ठीक। पहले इनिशियल वेलोसिटी था माइनस थ्री, चलो नंबर लाइन पर सोच लो, तो ये माइनस एट यहां होगा, एक्सेलरेशन इधर है, फिर माइनस सेवन, फिर माइनस सिक्स, ऐसा करते हुए जीरो तक आएगा और फिर वन टू थ्री, क्या ऐसे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऐसे जा रहा है ना, फील करो, फील करो, मैथ से ही फील करो। तो माइनस एट फिर माइनस सेवन, वेलोसिटी घटा मैग्नीट्यूड के तौर पर या बढ़ा? घटा, घटा। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है ना? अरे घटा, घटा है या नहीं है? अरे हाँ ना बोलो, यस सर। क्लियर? तो नेगेटिव है, तो मान लेते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी माइनस एट मीटर पर, मान लेते हैं जो एग्जांपल दिए उकरे से क्रिएट करते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं माइनस एट मीटर पर, तो माइनस एट, फिर अगली बार क्या होगा? माइनस सेवन, माइनस सिक्स, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, अरे हाँ ना, यस सर। बोलो, तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है बढ़ रहा है? पहले पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है,
आया पकड़ में नहीं आया। अरे आया नहीं आया? आया सर। पकड़ में आया यानी पहले वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। आप देख नाइन्थ में लोग क्या करता था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन ऑलवेज वेलोसिटी बढ़ेगा। अरे हाँ ना यही बोला जाता था, यही बोला जाता। यस सर। नाइन्थ के टीचर्स ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत बताया, हो सकता है उनको इससे ज्यादा जरूरत ना पढ़ा होगा बताने, मैं ये नहीं कह रहा गलत पढ़ा ठीक, मैं ये कह रहा हूँ बता देना चाहिए सर। इतना बोलने में कहा जाता, इतना बोलने में उनको कहा जाता, कोई दिक्कत ना था। लेकिन मैं सीधा सीधा एक बात, उन्होंने आप लोग के दिमाग में फिट कर दिया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है वेलोसिटी घटेगा। अरे हाँ ना यही दिमाग में फिट था ना? यस सर। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं होता, यही गैप है नाइन्थ से लेकर के इलेवेंथ में आने पर। ये लैंग्वेज का गैप है, मैथ का गैप है जो हमको सीखना है। क्लियर? चलो अब ये बात समझ में आया, अब खुद सोचो। दूसरा मैं बोल रहा हूं, नेक्स्ट मैं बोल दू अगला ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स, तो इसका ग्राफ कैसा होता याद करो, ये वाला पोर्शन y एक्सेस सी है नहीं, तो x जीरो होगा तो y भी जीरो होगा, तो ग्राफ ऐसा, और ये वाला पार्ट थीटा। क्या जो बोले क्लियर? ठीक, यहां भी थीटा क्या दिख रहा है, 90 डिग्री से छोटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाए पॉजिटिव, और ये tan थीटा किसके बराबर, m के बराबर। ठीक, अब वैसा ही सोचो, अगर जो मैं बोल देता b इक्वल टू 80, यानी यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई, जीरो। जैसे y इक्वल टू mx था तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। पक्का? तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ कैसा होता, यह वाला पार्ट b होता, यह वाला पार्ट t होता, और ग्राफ ऐसा होता। कोई दिक्कत है क्या? चेक करो, मैथ के अनुसार से ये नीचे जाएगा लेकिन फिजिक्स के अनुसार से नीचे नहीं जा सकता। रीजन, टाइम नेगेटिव नहीं होता। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई। नो सर। तो सोचो ये वाला पोर्शन थीटा है, अब करो क्या यहां भी टेन थीटा की वैल्यू, चलो थीटा 90 डिग्री से छोटा दिख रहा, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होता जो कि एक्सेलरेशन ए के बराबर होता। Hey, अब एक बार बताओ इसमें वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा, सोच के बताओ इसमें वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा, खुद सोचो। बढ़ेगा। बढ़ेगा, किसी को कोई दिक्कत है? टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा होगा वेलोसिटी पॉजिटिव आई है, एक सेकंड लिखेंगे तो वैल्यू ए होगा, दो सेकंड लिखेंगे टू ए होगा, तीन सेकंड लिखेंगे थ्री ए होगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? बोलो बढ़ेगा सर। अच्छा, पार्टिकल राइटवर्ड जाएगा लेफ्टवर्ड जाएगा? राइटवर्ड जाएगा। राइटवर्ड जाएगा लेफ्टवर्ड जाएगा, खुद सोचो। राइटवर्ड। राइट जाएगा सर। बिल्कुल सही। ठीक, अब मैं ये बात बता रहा हूँ, जैसा आपको 11th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ना, जेईई मेन में, एडवांस में, मेडिकल में, हम लोग उतर गए उस पर, पूरी तरह उतर गए। ठीक, अलग मैटर है शुरुआत कभी और करेंगे, सीधा बोलो शुरुआत कहीं और करेंगे, वो सब अलग बात। ठीक है, लेकिन सीखने के लिहाज से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से जो चीजें हमें चाहिए थी, ठीक, अगर जो वो बातें अभी से दिमाग में फिट होने लगे धीरे धीरे कर, क्लियर, तो चीजें हमारे लिए आगे चल के आसान हो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। ठीक, और हर स्टूडेंट को बोल रहा हूँ 0.1% भी एरर लगे ना कि नहीं समझ में आया, तुरंत कॉम्युनिकेट करो, तुरंत कॉम्युनिकेट करो। ठीक, यहां सोचो क्या होगा इस वाले पोर्शन में, वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज, क्लियर? अब सोचो अगला मैं बोल रहा, ठीक, मैं बोलू y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, सब कुछ पिछले वाले ग्राफ में कराया है। ठीक, ये तो पूरा करा दिया था, ये वाला पोर्शन बता, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक, चेक करो x की वैल्यू को जीरो करो तो y की वैल्यू किसके बराबर, c के बराबर।
सी यहाँ हो जाए, ठीक। वाई की वैल्यू को जीरो करो तो एक्स की वैल्यू सी बाई एम होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू जीरो करो तो एक्स की वैल्यू सी बाई एम होगा या नहीं होगा, बोलो। यस सर। क्लियर है? तो सी बाई एम कहाँ होगा, मान लो यहाँ होगा। अब दो पॉइंट मिल गया, स्ट्रेट लाइन बनाना है, खींच देते हैं लाइन, ऐसा होगा। अब सोचो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, अब ये थीटा, ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। बड़ा है, ठीक। चलो पहले तो यहां तक जो बताया उसको लिखो जल्दी से, हो जाए तो बता देना, पहले लिखो जल्दी जल्दी लिखो। हो जाए बता देंगे, चल। अब देखो वहीं से हमें आगे बढ़ रहा, एकदम लॉजिकल रहना। अब यही से स्टूडेंट नहीं करता है काम, ठीक है, टेंथ से इलेवेंथ में आने पर, और जब उसे काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाएगा तो चलेगा बाप रे बाप पता नहीं क्या करते, ठीक। इसी जगह बहुत सारे स्टूडेंट बिखरते हैं, ठीक। हम पहले से सीख के रखेंगे तो बिखरेंगे क्यों यार, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे, चेक। अब यहां पर थीटा क्या, चेक करो, यहां थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री था तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और देखो तो यहां पर माइनस एम है, एम नहीं है, यहां पर माइनस एम है, ठीक, यानी एम की वैल्यू नेगेटिव, जो भी आएगा वो एम की वैल्यू नेगेटिव। अब इसके अनुसार से चलो तो v इक्वल टू हम लोग बनाते हैं माइनस एटी प्लस यू, माइनस एटी प्लस यू। अब इसका ग्राफ क्या होता, चेक करो, या ये वेलोसिटी है और ये टाइम t, t की वैल्यू को जीरो करो, t की वैल्यू को जीरो करो तो v की वैल्यू किसके बराबर, u के बराबर यहां होगा, ठीक। अब v की वैल्यू को जीरो करो तो v की वैल्यू को जीरो करेगा तो ये डेटा क्या हो, u डिवाइडेड बाई ए। और चेक कर इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये वाला पार्ट थीटा, ठीक। फिर से वही बात कि tan थीटा की वैल्यू है, थीटा यहां क्या दिख रहा है, 90 से बड़ा, ठीक। तो tan थीटा की वैल्यू क्या रखो, नियम था नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब एक बात बता, यहां पे u इनिशियल वेलोसिटी राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है, खुद से सोच के बताओ, इनिशियल वेलोसिटी राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है, बताइए सुजीत, राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है, रोहित, रोहित, हाँ मेरे ख्याल में डेटा बचाना पड़ेगा, राइट राइट वर्ड है ना, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन राइट वर्ड, अच्छा। और एक्सेलरेशन बताइए तो, अर्जुन, अर्जुन एक्सेलरेशन राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, ठीक। तो लेफ्ट वर्ड किधर होगा, इधर होगा। अब एक बार बता, वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा, फिर से सोचो खुद से, एकदम आता है आपको, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है आपको, बताओ, मुझे यही लग रहा है, मुझे यही दिख रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजेस देन आफ्टर इंक्रीजेस, तुम देखो तो, मुझे तो यही दिख रहा, तुमको दिखता है या नहीं दिखता, वेलोसिटी इंक्रीजेस देन आफ्टर डिक्रीजेस, नहीं सर डिक्रीजेस देन आफ्टर इंक्रीजेस, सुमेधा क्या दिख रहा आपको, है ना,
यस सर। अर्जुन आपको? यस सर। कंफर्म सिर्फ यस सर अटेंडेंस बहुत बना ठीक सब लॉजिक के साथ। आशीष आपको दिख रहा? आशीष यस सर। गुड। रोहित आपको? यस सर। देख वो लिखा हुआ नहीं दिख रहा मैं ये बोला वेलोसिटी डिक्रीजेस होगा यही वेलोसिटी डिक्रीजेस देन आफ्टर वेलोसिटी इंक्रीजेस इसके साथ भी यही हो रहा है होगा देखो ना yes, पहले वेलोसिटी यू था पॉजिटिव आठ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव तो पहले कैसे होगा आठ आएगा फिर सात आएगा फिर छह आएगा ऐसे करते हुए जीरो तक जाएंगे तो वेलोसिटी घट रहा है ठीक और जीरो के बाद फिर बढ़ना शुरू होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। अब ये मत समझ रहे मैथ के अनुसार वो घटेगा फिजिक्स के अनुसार माइनस का दिखाता है सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अरे हाँ ना बोलो क्लियर है हर्षराज क्लियर है आपको? यस सर। ठीक आप सोचिए इसका ये लिख लेना इसके बाद एकदम लॉजिकल चल और v इक्वल टू यू प्लस ए टी से फिजिक्स में इस छह ग्राफ के बाद ठीक कोई नया ग्राफ पूछ ही नहीं सकता औकाते न है सिलेबस में न है तो औकात कहां से आ जाए ठीक है। अब सोचो मैंने v इक्वल टू यू ऐसा भी तो कर सकते देखो तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस ठीक फील करो क्या होता ये वाला पोर्शन y एक्स और ये वाला पोर्शन x एक्स x की वैल्यू को जीरो करो तो y की वैल्यू माइनस यहां होगा भाई ठीक है y की वैल्यू को जीरो करो तो x की वैल्यू मुझे दिख रहा है माइनस c बाई एम यहां होगा दो पॉइंट मिल गया मिला दी यही तो स्ट्रेट लाइन होता। अरे हाँ ना ठीक c बाई एम और ये होता थीटा ठीक तो चेक करो यहां भी tan थीटा थीटा की वैल्यू क्या दिख रहा है 90 डिग्री से बड़ा तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगा यानी m की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसको देख के क्या लिख सकता था चेक करो v इक्वल टू माइनस एटी माइनस सी v इक्वल टू माइनस एटी माइनस सी चेक करो ये वाला पोर्शन क्या v यहां बनाए और t यहां बनाए t की वैल्यू को जीरो करो तो v की वैल्यू माइनस v की वैल्यू को जीरो करो तो t की वैल्यू क्या माइनस यू बाई ए तो माइनस यू बाई ए यहां लिखते हैं दो पॉइंट मिल गया स्ट्रेट लाइन से मिला देते लेकिन फिजिक्स क्या कहता है टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा क्लियर है। इस कंडीशन में थीटा कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दे कुछ खींच देना और ये वाला पोर्शन थीटा ठीक तो यहां भी थीटा क्या दिख रहा है 90 डिग्री से बड़ा तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होता यानी स्लोप की वैल्यू एम की वैल्यू नेगेटिव होता ठीक और नहीं यहां पे ए वाला पोर्शन है टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होता यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता। अब एक बात बताओ यहां पे इनिशियल वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है या राइटवर्ड है इनिशियल वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है या राइटवर्ड है बता जल्दी इनिशियल वेलोसिटी लेफ्टवर्ड है या राइटवर्ड है लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड है ना तो इसे लेफ्टवर्ड बनाओ यू एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड है या राइटवर्ड आशीष आशीष लेफ्टवर्ड है या राइटवर्ड एक्सेलरेशन हर्ष रंजन लेफ्टवर्ड है राइटवर्ड राइटवर्ड एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है ना सुमेधा एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना यस तो लेफ्टवर्ड होगा या राइटवर्ड होगा
लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड। अब सोच के बताओ तो इसका वेलोसिटी घटेगा या बढ़ेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, जिधर यू है उधर ही ए भी, बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, फिर घटेगा, बढ़ेगा ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो जब अपोजिट था तब क्या सीखा है, पहले वेलोसिटी घटेगा और फिर बढ़ेगा, और जो दोनों का डायरेक्शन सेम है ऐसे भी समझ लो, नाइन्थ वाले टीचर ऐसा बताता होगा, भले ये डिक्रीजेस और इसका नहीं बताता, ठीक है। मीनिंग ये कि अगर जो दोनों का डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों का सेम है, ठीक है, लेफ्टवर्ड है, दोनों लेफ्टवर्ड मिल जाए, राइटवर्ड मिल जाए, कुछ नहीं, सेम सेम दिख जाता है, ठीक है, तो सीधा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, सीधा इधर उधर लो कोई बात, लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड दोनों ठीक, डायरेक्शन सेम तो वेलोसिटी इंक्रीज है, अरे हाँ ना बोलो, यस वेलोसिटी इस कंडीशन में ऑलवेज इंक्रीज है, ऑलवेज इंक्रीजेस, चेक कर रहे यहाँ पे क्या होगा, माइनस एट से शुरू किए अब स्टार्ट होगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस एट, तो माइनस एट माइनस नौ माइनस दस माइनस ग्यारह, ऐसे ना होगा, हाँ या ना? Yes, बोलो यार, तो मैग्नीट्यूड बढ़ ना रहा है, घटेगा थोड़े, बोलो यस सर, सही है, चलो लिखो इसको जल्दी, पांच ग्राफ तो हो गया भी इक्वल टू यू प्लस एटी, एक ग्राफ और बच गया, जल्दी लिखे, हो जाए तो कंफर्म कर देंगे मुझे, मैं लास्ट करें, ठीक, इस वाले पोर्शन में लास्ट करें, फिर नॉर्मल नॉर्मल ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होगा सीखो तो खत्म करो। अब इस वाले पोर्शन में क्या एक ही ग्राफ तो बच गया, कौन सा ग्राफ, वो था y इक्वल टू सिर्फ माइनस एम एक्स, तो ये वाला पोर्शन y एक्सिस होता और ये वाला पोर्शन x एक्सिस, ठीक, x की वैल्यू को जीरो करोगे तो y की वैल्यू भी जीरो होगा, ठीक, और माइनस एम है ही, तो ये बात कंफर्म हो गया कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा और थीटा इसका ये हो, ठीक, बिल्कुल पहले से, तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये टेन थीटा किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा, तो वैसे ही सोचो क्या वी इक्वल टू माइनस एटी लिखे, क्लियर, अब सोचो क्या ये वेलोसिटी होगा और टाइम टी होगा, ठीक, अब एक्सेलरेशन के इधर रीजन ग्राफ होता है सही, लेकिन क्या दिखा, टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो इधर से नहीं जाए, क्लियर है ये, तो यहां पे थीटा निकालना होता तो ऐसे और ये वाला एंगल, फिर चेक करो इस वाले पोर्शन में क्या लिख चुका है ही, आगे बढ़े, क्या कर रहे हैं इस वाले पोर्शन, एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव, रीजन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये लैंग्वेज याद रखना, बहुत सारा क्वेश्चन देख करके तुरंत पकड़ में आ जाएगा, ठीक, यही सब लैंग्वेज यूज कराऊंगा, थीटा 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, ऐसे बनाने के लिए क्वेश्चन, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव निकालने के लिए, ठीक, बहुत सारे लोग एक से डेढ़ पेज में क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक, वो मेथड भी बताऊंगा, ठीक, और तुमको सस्ता वाला मेथड आसानी से जल्दी जल्दी बनने वाला, यही थीटा आंख से दिखा नेगेटिव है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन, थीटा 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है, पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन, क्लियर, तो एकदम जल्दी जल्दी वाला काम दिख रहा है, जिससे रीजन है भाई, ठीक है, मेडिकल का जो एग्जाम देना है तो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन चाहिए, इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है तो 90 क्वेश्चन को 180 मिनट में बनाना है,
ठीक, तो तुम सोचेगा इंजीनियरिंग वाले में पोर्शन में कि हमको तो 2 मिनट मिल रहा है क्वेश्चन बनाने के, ठीक नहीं भाई, क्वेश्चन पेपर का लेवल अप कर देता है। मेडिकल वालों में एक्यूरेसी ज्यादा होता है, इसलिए लेवल क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा कम रखता है, ठीक है, ताकि बच्चे ज्यादा बना और बनाते भी हो लोग, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में लेवल ही बढ़ा देता है, वो 2 मिनट कम पड़ जाएगा, ठीक। इसमें छोटी छोटी चीजें जिससे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना पाओगे वो सीखते जाओ साथ साथ, क्लियर। और वो सब यही लॉजिक है थीटा ग्रेटर देन जीरो, थीटा लेस देन जीरो, ठीक। तो सोचो थीटा ग्रेटर देन जीरो यानी ये टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव। अब एक बात बता, यहां पे वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा, सोच के बताओ, खुद सोच के बताओ, वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बहुत बढ़िया। अरे सिर्फ एक्सेलरेशन ये है तो मान लो जीरो से शुरू इनिशियल वेलोसिटी, अगली बार -1 आएगा, फिर -2 आएगा, -3 आएगा, हर बार तो बढ़ी रहा है ना, और डायरेक्शन भले नेगेटिव हो तो वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज, ठीक। अब दिमाग में गांठ बांध लो, कसम खा लो, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कसम, ठीक। कुछ भी पूछेगा इससे बाहर, यानी 6 ग्राह चाहे वो मैथ का हो, तो मैथ में स्ट्रेट लाइन में ये y=mx+c को जो चेंज कर करके बनाए, इससे बाहर 6 क्वेश्चन नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं बनेगा मैथ। फिजिक्स में v=u+at का इस 6 ग्राफ के अलावा कोई नया ग्राफ नहीं, क्लियर। अब जल्दी जल्दी बता दो, मुझे जल्दी जल्दी बता दो, y=4x+2 बता दो कैसा ग्राफ है, ग्राफ जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, अब मैथ से जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर ले 10 मिनट में फटाफट। y=4x+2 जल्दी, सिर्फ ग्राफ का नेचर बताओ, हमको बताना पड़ेगा क्या, कर लोगे सॉल्व? सुजीत कर लोगे सॉल्व? सुमेधा सॉल्व हो जाएगा? यस सर। गुड, तो चलो एक क्वेश्चन में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी करो, वही काम कर रहे हैं ये मैथ वाला क्वेश्चन। ये वाई एक्सिस बना ले, ये एक्स एक्सिस बना, ठीक। एक्स की वैल्यू को 0 कर तो वाई की वैल्यू 2 यहां कर, वाई की वैल्यू को 0 कर तो एक्स की वैल्यू -2/4 यानी लिटरली -1/4, ठीक। अब चेक करो, 2 पॉइंट मिल गया, स्ट्रेट लाइन ये, ठीक। अब सोचो थीटा क्या है, ऐसा बता दो, थीटा 90 डिग्री से छोटा या बड़ा है? थीटा 90 डिग्री से छोटा है बड़ा है? छोटा है, छोटा, ठीक। टेन थीटा की वैल्यू बताओ क्या है, टेन थीटा की वैल्यू बताओ 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू, क्या सीखा है, टेन थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा सर, टेन थीटा पॉजिटिव तो होगा, टेन थीटा की वैल्यू बताओ। अरे थीटा किसके बराबर, एम के बराबर, एम के जगह कितना है, एम के जगह कितना है, चेक करो, y=mx+c बता, एम के जगह कितना है, क्लियर सर मारा, अच्छा सी के जगह कितना है, टू, सी के जगह कितना है, टू, तो ठीक। इसका मतलब क्या, सी की वैल्यू वो क्या बताए थे, वाई एक्सिस में, सॉरी लाइन में वाई एक्सिस वो कहां काटा बताए थे, सी का मतलब क्या होता है, लाइन में वाई एक्सिस को कहां काटा, तो लाइन में वाई एक्सिस को कहां काटा,
लाइन में वाई एक्सिस को कहां काटा? टू पर काटा। अरे हाँ टू पर काटा, पक्का ना? अब वैसे ही तो जल्दी जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस, जल्दी जल्दी बस इतना ही लिखना है। रेस्ट ऑफ फिजिक्स जब शुरू करेंगे तब ना, पहले मैथ से टैन थीटा की वैल्यू लिख ले, ये सब कुछ लिख ले। मैं बोलू y इक्वल टू 6x माइनस 4, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया, पहला क्वेश्चन ये था, तीसरा क्वेश्चन मैं यहां दे रहा। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं बर्बाद करना। y इक्वल टू x प्लस 4, ठीक? इधर लिख चुके हो तो मिटाऊं, इधर लिख चुके हैं तो मिटाएं। हाँ यस सर, मिटा दीजिए। ठीक है, इस वाले पोर्शन में हर हाल में इस पे कमांड चाहिए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर आ जाए, प्रलय आ जाए, यदि आगे पढ़ना है तो ये आना चाहिए। चौथा y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फोर। पांचवा y इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर, ठीक? इसे मिटाई दे रहा। छठा नंबर y इक्वल टू माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स। दूसरा बना क्या? रोहित दूसरा बना? रोहित यस सर। हाँ ठीक, बढ़िया सर। आप क्या कह रहे हो? तो एक कुछ बोला आपने सर, बन गया ना सर? बना रहे हैं। अच्छा ठीक, दूसरा नहीं बना। अर्जुन आपसे दूसरा बना रहे सर। अरे जल्दी बना यार, इस सब में टाइम अब कहाँ लगा रहे हो? कॉपी पेन लेके बैठे, भूल गया क्या? दो क्लास मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई तो मेरा थोड़ा आदत बदल गया, खूब प्रैक्टिस कराया हूँ। हर्षरंजन बना? हर्षरंजन बना दूसरा? बना रहे सर। सुमेधा आपसे? Yes, चलिए ठीक। देखो दूसरा बता रहा क्या बना सीधा ये वाई एक्स। जल्दी जल्दी फिर रुको मत, और जो बन गया तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, रुकना नहीं है, फटाफट, तभी तो प्रैक्टिस करेंगे हम। ये एक्स सक्सेस। अब सोचो एक्स की वैल्यू को जीरो करो, एक्स की वैल्यू को जीरो करेगा तो वाई की वैल्यू क्या होगा? माइनस फोर। y की वैल्यू को जीरो करो तो x की वैल्यू क्या होगा? फोर बाई सिक्स यानी टू बाई थ्री। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, थीटा ये क्लियर, थीटा 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है, यानी टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा। मैंने क्या कहा? टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर? छह के बराबर। और c किसके बराबर? माइनस फोर के बराबर। और c का मतलब क्या? लाइन ने वाई एक्सिस को कहां काटा? अरे हाँ ना, क्लियर है? यस सर। लाइन ने माइनस फोर पे काटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा, ऐसे ही जल्दी जल्दी तीसरा हो गया क्या? यस सर। देखो
तीसरा के लिए क्या करता, चेक करें ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस और ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स की वैल्यू को जीरो करो, जीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू फोर दिखता, फोर कहाँ होगा ऊपर हो। एक्स की वैल्यू को जीरो करो, सॉरी वाई की वैल्यू को जीरो करो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस माइनस फोर, यहां दो पॉइंट है मिल गया, ठीक। अब सोचो यहाँ थीटा कितना, ऐसा 90 से थीटा की वैल्यू कितना वन, टेन थीटा की जगह वन। अब मीनिंग क्या निकला, अगर जो एंगल पता है तो लिख दे, देख ली थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, टेन 45 डिग्री की वैल्यू वन होता है कि नहीं होता, बताओ पढ़ाया कुछ जमाने में, टेन 45 डिग्री वन होता, यानी यहाँ पर थीटा कितना होता 45 डिग्री। सी चेक करो कितना होता, फोर हे, तो सी की वैल्यू फोर, यानी चेक करो सी का मतलब क्या था, लाइन ने वाई एक्सिस को कहाँ काटा, कहाँ काटा प्लस फोर पे काटा, तो काटा हे। चलो भाई चौथा बन गया, जल्दी जल्दी रुकना नहीं है, चौथा बन गया। क्या चौथा बन गया? Yes, sir. फिर अगले दिन हम लोग सर बन y equal to 4 x equals 2 c बराबर 4 tan theta equals 2 किस में हो? 4 में या 5 में? क्या सर? किस क्वेश्चन में, 4 नंबर या 5 नंबर में? 4 नंबर, फोर वन नंबर में प्लस टेन की टाइम वैल्यू प्लस टू क्या लिखा है, माइनस टू नहीं लिखेगा, नेगेटिव होगा ना, एम के जगह माइनस टू है ना, ठीक है देखो नेगेटिव होगा, हाँ बिल्कुल नेगेटिव होगा, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू फोर, फोर रहने दे, वाई की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू जीरो, तो ये 2x इधर आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 तो 2 आ गया, अब दो पॉइंट मिल गए ऐसे। अब सोचो थीटा 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं बड़ा, क्लियर, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, और नेगेटिव कितना माइनस टू, ठीक, c की वैल्यू कितना है माइनस टू, फिर बार बार तुम 2 बोल रहे माइनस टू, ठीक है क्लियर। अब पांचवा बनाओ ऐसे ही, पांचवा जल्दी, टाइम हो गई, पांचवा जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी खत्म करें इसे, फिर आगे मैं यहीं से शुरू करूंगा अगले वाले क्लास में, ठीक, लेकिन सीरियसली पढ़ाऊंगा सर्कल, ठीक, मतलब मेरे तरफ से स्ट्रेट लाइन खत्म, लेकिन इसका यूज मुझे कराना है, क्लियर, अगले क्लास में सर्कल और मोस्ट प्रोबेबली पैराबोला तक आ जाए, ठीक है ना, हाँ बन गया सर, क्लास गायब हुआ पहले बोल दे रहा हूं, इसमें गायब हुए है तो फिजिक्स का 10 में से 3 क्वेश्चन तुमसे छूट जाए, मैंने जनरल देखा है, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, आईटी एडवांस का एग्जाम हो, 30% क्वेश्चन ग्राफ से पूछता है, ठीक, और ग्राफ फिर तुम दोबारा कभी नहीं पढ़ो, जो पढ़ोगे ना इसी 3 से 4 क्लास होते हैं, एक क्लास पहले पढ़ाए, एक क्लास आज पढ़ा रहे, और मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास और अगला वाला में आधा क्लास ऐसे, उसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू करें, ठीक है, एकदम नहीं मिस होना चाहिए, ठीक है, चेक करो इसमें क्या सिखाए, ये वाला पोर्शन वाई एक्स, ये वाला पोर्शन x एक्सिस, x की वैल्यू को जीरो करो तो y की वैल्यू माइनस फोर, y की वैल्यू को जीरो करो तो
तो ये इधर आ जाएगा फोर, यानी ये डेटा होगा ऐसा। ठीक, अभी वाला पोर्शन ठीक। ठीक, तो चेक करो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू वैसे ही पॉसिबल है, और यहाँ कितना है टू के बराबर, सी कितना हो गया माइनस फोर के बराबर। वैसे ही सोचो सिक्स नंबर ये भी बन जाना चाहिए, ये वाई एक्सेस ये एक्स एक्सेस, एक्स की वैल्यू को जीरो करो, एक्स की वैल्यू को जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या होता माइनस सिक्स, वाई की वैल्यू को जीरो करो तो माइनस सिक्स इधर प्लस सिक्स आ जाएगा डिवाइड बाई फोर, यानी ये डेटा मुझे दिख रहा है माइनस थ्री बाई टू होता है, स्ट्रेट लाइन ये होगा, थीटा 90 डिग्री से बड़ा है ये होगा, यानी इस जगह टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखेगा माइनस थ्री, सी की वैल्यू क्या लिखेगा माइनस सिक्स। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये है वाई इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स के साथ टू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्स के साथ टू पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा या ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा या ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, बोलो ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगा, क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? यस। तो बताओ इस क्वेश्चन के लिए लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? यस सर रहेगा, लेस देन, लेस देन एंड थीटा की वैल्यू लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा? ग्रेटर देन। आहा, फिर गलत कर रहा है, लेस देन होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, टेन थीटा की कहीं लिख ले भूला जा रहा है, एक के बाद कितना बार बताए, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री। अब देखो यहां पे ये टू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, लेस देन या ग्रेटर देन? तो ग्राफ कैसा हो जाता है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये ऐसा हो जाता है। तुम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ा है, टेंथ में पढ़ाया है लोग, जब चार बार वैल्यू पुट कराता है तब देखो, उतना टाइम है, उतना टाइम है, पता लगा ये वो क्वेश्चन बनाने में तुम लोग 10 मिनट लगा, टाइम लगता है कि नहीं लगता है वैसे बनाने, हाँ या ना? Yes, sir. Clear? उसमें नहीं जाना है, पगला जाएगा फिर, तो तब हो गया मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन, निकल जाएगा, हमको टाइम कम करना है, ध्यान रखो ये सब लॉजिक, ये दोनों लॉजिक पक्का याद रखे, फिर गर्व हो जाएगा मामला। ठीक, तो ये टेन डेटा की वैल्यू क्या हो जाता है, चुप कर गया टू इस वाले पर, वैसे ही सोचो तो ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस और ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस। ठीक, बता यहाँ पे x के साथ नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। हाँ, x के साथ नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव सर। बहुत बढ़िया, तो नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा या लेस देन 90? ग्रेटर देन सर। फिर लेस देन बोली, गलत बात, ग्रेटर देन, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगा। क्लियर? यानी ग्राफ कैसा होगा, ग्रेटर देन ऐसा होगा। अरे हाँ ना? यस सर। क्लियर है? ग्रेटर देन। यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए, रेस्ट अगले क्लास, यहाँ तक बातें क्लियर है सभी को? हाँ ना? यस सर। रोहित आपको आज आपका पहला क्लास था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्लियर सर? चलिए। यस सर। अगर जो इसको लिख लीजिए और कंप्लीट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, फिर मैं सेशन एंड कर लूंगा।
ठीक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेलकम।